ना, जब मैं एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आया तो वहाँ पे एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन छूट गया था, तो मेरे 97 आए थे। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। पिछला एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने स्ट्रैटेजी बोली थी आपके बोर्ड्स के लिए, तो उस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। लेकिन एक बात यह है कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनने ऑलरेडी प्रिपेयर किया होगा या जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं अपने बोर्ड्स के लिए। चाहे आपकी प्रिपरेशन कैसी भी हो, प्रॉब्लम यह होती है कि आपको फिर अटेम्प्ट करना नहीं आता पेपर, मतलब वो जो आपने पढ़ा हो वो डिलीवर करना नहीं आता एग्जाम में। तो उसी के रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह मतलब अगर आप वैसे ही अटेम्प्ट करोगे पेपर को तो आपके मार्क्स इंक्रीज ही होंगे, डिक्रीज नहीं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो अगर हम बात करें उन टिप्स की जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टिप नंबर 1 की अगर बात करें वो है यूज़ योर फर्स्ट 15 मिनट्स स्मार्टली। तो जब आपका एग्जाम होता है उस दिन आपको क्वेश्चन पेपर मतलब आपके टेबल पे 15 मिनट्स पहले ही दिया जाता है, राइट? तो वही 15 मिनट्स आपके डिसाइड करेंगे कि आपका पेपर कैसा होगा, मतलब आप कितना अटेम्प्ट करोगे। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जिनकी ऑलरेडी प्रिपरेशन बहुत मस्त होती है, जैसे ही वो पेपर देखते हैं उनको सब आता है तो वो ओवर एक्साइटेड होते हैं, राइट? और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जैसे ही वो पेपर देखते हैं तो उनको टेंशन हो जाती है। लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए यही है कि वो पेपर बस आपके लिए हार्ड नहीं होगा, और भी स्टूडेंट्स के लिए वो हार्ड होगा, आपको ये सोच के वो पेपर अटेम्प्ट करना होगा। अब अगर हम बात करें 15 मिनट्स की, इन 15 मिनट्स में आपको डिसाइड करना होगा कि आप कौन सा सेक्शन पहले करोगे, क्योंकि आपका जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है इस साल, राइट? मैं जेके बोस की बात कर रहा हूँ। आपको उन्हीं 15 मिनट्स में ये डिसाइड करना होगा कि आप कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करोगे, मतलब पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, बाद में कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। वो आप उन्हीं 15 मिनट्स में सब कुछ डिसाइड करके रखोगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन आता है और कौन सा क्वेश्चन नहीं, राइट? तो यही थी पहली टिप जिसमें आपको अपने जो पहले 15 मिनट्स हैं वो अच्छे से यूटिलाइज करने होंगे। तो अब अगर टिप नंबर 2 की बात करें वो है राइट आंसर टू द पॉइंट। तो अब इसका मतलब क्या है, देखो अगर फॉर एग्जांपल आपका वहां पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज एयर पोल्यूशन, राइट? तो आपको बस उतना ही लिखना है जितना वो पूछ रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल पूछ रहा है एयर पोल्यूशन क्या होता है, तो आप उतना ही आंसर लिखोगे। अब ये नहीं लिखोगे ये कैसे होता है, क्यों होता है, वो उतना डिटेल नहीं जाना हमें। टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना पड़ेगा बोर्ड में, क्योंकि देखो जिसको पेपर चेक करना होगा ना वो यही चाहेगा कि मेरे पास मतलब ऐसे आंसर्स आए जो मैंने पूछा है, जितने मार्क्स का मैंने सवाल पूछा है उतने मार्क्स का मुझे आंसर भी वहां से आना चाहिए, ताकि उसको भी आसानी हो जाए चेकिंग करने में, राइट? तो यही है कि आंसर्स में कुछ अननेसेसरी थिंग्स मत डालो, जितना पूछ रहा है उतना ही लिखो। ये मैं किस हिसाब से बोल रहा हूँ, मतलब पिछले पैटर्न के हिसाब से भी यही था और इस पैटर्न के हिसाब से भी सेम है कि आंसर टू द पॉइंट लिखो। फॉर एग्जाम्पल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स के हिसाब से ही आंसर लिखो, व्हाट पूछ रहा है, हाउ और व्हेन, उसका जवाब नहीं देना हमें, ओके? अब अगर थर्ड टिप की बात करें वो है डोंट लीव एनी क्वेश्चन। तो आप सबको पता होगी कि बोर्ड्स में स्टेप मार्किंग होती है, आपने जितने स्टेप्स लिखे होंगे उनके हिसाब से आपको मार्किंग दी जाएगी, उनके हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो ऐसे ही नहीं छोड़ना, क्योंकि देखो इस साल तो 70% आपको अटेम्प्ट करना है, 30% रिलैक्सेशन मिली है। मैं खाली उन 70% की ही बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 100% पेपर अटेम्प्ट करके आना। तो 70% की अगर मैं बात करूँ, उनमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है, थोड़ा सा ही अगर कोई कंसेप्ट हो ना वही लिख दो, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी ना, वो मतलब वहाँ पे छाप देना, जो भी आपको आता है वो लिख देना, चाहे आपको फॉर्मूला ही क्यों ना आती हो वो फॉर्मूला ही लिखो, आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आप क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ते हो तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा उस क्वेश्चन के लिए। तो यही है मतलब स्टेप मार्किंग, जितने आप स्टेप ज़्यादा लिखोगे, मतलब जितने भी आप स्टेप्स लिखोगे उनके अकॉर्डिंग आपको मार्किंग की जाती है बोर्ड्स में। तो यही थी थर्ड टिप कि डोंट लीव एनी क्वेश्चन, ओके? अब अगर टिप नंबर 4 की बात करें वो है अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन सीक्वेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैं कोई नोटबुक दूं, बोलूं ये चेक करनी है, तो अगर उस नोटबुक में फॉर एग्जाम्पल पहले क्वेश्चन नंबर 1 हो, मतलब सेक्शन ए का क्वेश्चन हो, फिर सेक्शन बी का, फिर सेक्शन सी का, मतलब वो सीक्वेंस में नहीं लिखा हो, तो आप मतलब थोड़े से तंग आओगे वो नोटबुक चेक करते करते, राइट? लेकिन अगर हम यही नोटबुक आपको दें जिसमें सेक्शन ए पहले हो, फिर मतलब सेक्शन ए के क्वेश्चन सारे हो, फिर सेक्शन बी के हो, फिर सेक्शन सी के हो, मतलब ऑर्डर में हो, वो सीक्वेंस में हो, तो आपको एक हिसाब से वो अच्छा लगेगा उस बच्चे का पेपर या उस बच्चे की नोटबुक चेक करने में, राइट? तो यही है कि अच्छे से देखो पहले, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन ए का क्वेश्चन कर रहे हो, अब ये नहीं करना कि सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन कर रहे हो, मतलब तीसरा क्वेश्चन आप सेक्शन सी से कर रहे हो,
ऐसा नहीं कर रहे हैं, सेक्शन वाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। मतलब अगर आप कहीं सेक्शन ए के क्वेश्चंस कर रहे हो तो उस पार्ट में सेक्शन ए के ही क्वेश्चंस रखो, ताकि जो आपका पेपर चेक करे उसको भी अच्छा लगे कि मतलब इसने कुछ सिक्वेंस में आंसर्स लिखे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अब अगर लास्ट टिप की बात करें वो है रिवाइज योर आंसर शीट। अब ये नहीं है कि आपको वो याद करना है, मतलब जो आपने लिखा ना, कोई बच्चा क्या होता है ना, मैं अगर ऐसे बोलूँ, मेरे वक्त मतलब मेरे साथ क्या हुआ था, जब मेरा फिजिक्स का पेपर था तो आता तो मुझे सारा पेपर था, लेकिन क्या हुआ ना कि मेरी आदत, मतलब बुरी आदत बोलूँ या कुछ और, जैसे ही मैं पेपर देखता था तो मैं टिक देता था। मतलब ये भी नहीं करना कि आप टिक देते हो ना, मतलब ये वाला आता है तो टिक, ये वाला टिक, वैसा भी नहीं करना। तो मैंने टिक दिए थे, मतलब ये भी आता है, ये वाला भी आता है, ये वाला भी आता है। तो एंड में क्या हुआ ना, जब मैं एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आया तो वहाँ पे एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन छूट गया था, तो मेरे 97 आए थे, तो 3 मार्क्स कट हुए थे इस वाली लापरवाही से, राइट। तो क्या करना है कि जैसे आप पेपर करते हो, पहली बात वो टिक नहीं देना अपने क्वेश्चन पेपर्स पे, वो मार्किंग आप करके रखते हो कि ये वाला भी आता है, ये भी आता है। जब आप पेपर करो ना तब टिक दे सकते हो आप, मतलब जब आप क्वेश्चन करते हो तो उसके बाद अगर टिक दोगे वो चलेगा, लेकिन पहले ही नहीं देना, ठीक है। तो अब क्या है, जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हो, मतलब आपका सारा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट हो गया, उसके बाद अपना जो आंसर शीट है उसको रिवाइज करो, अच्छे से देखो कि मतलब कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, या कोई फिलअप, या आपका मल्टीपल चॉइस है वो मतलब कोई छूट तो नहीं गया। तो ये थी हमारे पास टिप नंबर 5। तो आई होप आपको इस वीडियो से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ही मिली होगी। तो मतलब इससे पहले मैंने एक स्ट्रैटेजी का वीडियो बनाया था, तो मुझे लगा कि आपका पेपर पैटर्न भी चेंज हुआ है तो इस वीडियो की नीड है, आई थिंक। मतलब आप कैसे पेपर अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि सेक्शंस बढ़ा दिए गए हैं एज़ पर न्यू पैटर्न, और मतलब क्वेश्चंस थोड़े बहुत मतलब उनमें ऐड किए गए हैं, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो तो सेम ही रहेंगे, बस पैटर्न चेंज हुआ है। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना ऐसा कोई वीडियो बनाया जाए। एंड आई होप कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से जा रही होगी, मस्त जा रही होगी, एंड इंशाल्लाह यू ऑल विल शाइन। सो अगर ये वीडियो किसी भी रीजन की वजह से पसंद आया हो, गिव इट अ लाइक एंड शेयर दिस। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर।